ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੇਖ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੇਖ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਹਮੇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਯੂਥ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੋ ਹਮੇਕ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਦੋ ਹਮੇਕ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤੀ ਯੁਵਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਆਦਰਣੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੀ ਸੇ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਵੋ ਹਮ ਸਭ ਕੇ ਆਦਰਣੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰੇ ਔਰ ਅਭਿਨੰਦਨ ਵੀ ਕਰੇ साथियों आप सब हिंदुस्तान के अलग अलग जगह से आज इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए यहां आए हो आप सबको दिल से धन्यवाद। आज आप सबके नेता श्री राहुल गांधी जी आपके बीच आए हैं, आपके उत्साह बढ़ाने आए हैं, उनको दिल स्वागत और धन्यवाद। आपके नेता भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास से गुजारिश है कि वो अभी आके राहुल जी का स्वागत करें और आप सबका धन्यवाद करें। श्रीनिवास जी आप सब लोग राहुल गांधी जी को प्यार करते हैं, दोनों हाथ उठा केवल जी को प्यार करते हैं, फिर साइलेंट से कोई धक्का मुक्की नहीं है। आप सब लोग भैया का बात सुनने आया है, मैं जानता हूं ज्यादा समय नहीं लूंगा, भैया को बुलाएंगे। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, यूथ कांग्रेस। मैं आज कोने कोने से आज आया युवा कांग्रेस का एक एक साथी को मैं तहे दिल से भैया की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं। ये इस गुंगे बेरानी कमे सरकार ने जो आवाज नहीं सुन रहा है वो उसको जगाने का काम आप लोग ने कर रहे हैं। आज हम लोग में बीच में इस देश का नेता हम सबका नेता राहुल गांधी जी को मैं धन्यवाद करता हूं और ये आईसीसी जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज के सी वेणुगोपाल जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और शक्ति सिंह गोयल जी दिल्ली इंचार्ज उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं और कृष्णा अलवर जी भारतीय युवा कांग्रेस इंचार्ज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आए हम लोग के बीच में, मैं खड़गे साहब को भी धन्यवाद करना चाहता हूं और दिग्विजय सिंह जी आया उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और नासिर हुसैन जी त्यागी जी सब लोग को मैं धन्यवाद करता हूं। मैं आज आप लोग के बीच में एक बात कहना चाहता हूं, सुन ले ध्यान से। मेरे परिवार में कोई दूर दूर तक राजनीति में नहीं है, मैं साधारण परिवार से आता हूं,
मेरे जैसा एक कार्यकर्ता को भारतीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष बनाया है, वो राहुल गांधी जी है। या राहुल गांधी जी के वजह से मेरे जैसा कार्यकर्ता को हम सब लोग मिलके उनके नेतृत्व में इस गुंगे बेरे निकम में सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। अच्छे दिन का बात किया था, अच्छे दिन का बात किया था, अच्छे दिन कभी किसी को मिला है क्या? अच्छे दिन आया क्या? अच्छे दिन का भाव बता रहा हूं मैं, अच्छे दिन का भाव सुन लो। पेट्रोल 100 की पार नॉट आउट, डीजल 100 की पार नॉट आउट, एलपीजी 1000 पास। इन लोग ने अच्छे दिन आज तक किसी को आया नहीं है। नरेंद्र मोदी जी चिल्ला चिल्ला के कहते थे मैं गरीब आदमी हूँ, झोला लेके आया हूँ, झोला लेके चले जाता हूँ। आप बिल्कुल सही कहा था, आपका झोला तैयार है, आपका झोला तैयार है, आपको झोला हम लोग देंगे। आपने पूरा देशवासी को झोला देने लगे हैं, इस देशवासी को गरीब बनाने में लगा है, इसके लिए हम लोग तैयार है। भैया वो जो भाई हाथ में जो रखा है तख्ती नीचे कर, वो राजस्थान वाले तख्ती नीचे कर। इस देश में युवा जो बेरोजगार युवा सरकार को आवाज करता है तब ये सरकार कहते हिंदू खतरे में है। इस देश में सबसे बड़ा महंगाई युवा सब आवाज उठाते हैं, बीजेपी नरेंद्र मोदी अमित शाह कहता है हिंदू खतरे में है। इस देश का महिला आवाज उठाता है, उस महिला के साथ अत्याचार हो रहा है तब कहता है हिंदू खतरे में है। मैं कहना चाहता हूँ इस मन से, हिंदू खतरे में नहीं है, देश खतरे में है। इस देश का युवा खतरे में है, इस देश का किसान खतरे में है, इस देश का सभी वर्ग सभी समाज छोटे छोटे उद्योगपति खतरे में है। मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, मैं हमारा नेता राहुल जी को मैं निवेदन करता हूँ, आए आप संबोधित करें, बहुत दूर से लोग आके आपका भाषण सुनने चाहिए। खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, शक्ति सिंह गोहिल जी, कृष्णा अलवारू, श्रीनिवास जी, यूथ कांग्रेस के हमारे सब ऑफिस बेयरर्स, देश के सब युवा भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका हम यहां स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं यूथ कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को धन्यवाद देना
क्या मीडिया में कहीं देखा आपने? तो इनका लक्ष्य क्या है? इनका लक्ष्य हिंदुस्तान के युवकों की आवाज को दबाने का है। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, सड़क पे, कस्बों में, गांव में हिंदुस्तान के युवा की आवाज दबाने का लक्ष्य है इनका। क्योंकि ये जानते हैं जिस दिन हिंदुस्तान के युवा ने अपने दिल की बात बोलनी शुरू कर दी, जिस दिन हिंदुस्तान के युवा ने सच्चाई बोलनी शुरू कर दी, उस दिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसी दिन खत्म हो जाएगी। भाई और बहनों, याद रखिए, किसी ने मुझे कहा पार्लियामेंट में, किसी ने मुझे कहा कि ये जो पेगासस का मुद्दा है, ये छोटा सा मुद्दा है, इस पर कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष क्यों अड़ गया है? भाई और बहनों, एक बात याद रखिए, ये जो आपके हाथ में है, ये आपका मोबाइल फोन है, ये आज आपकी आवाज है। इस मोबाइल फोन से जो आप कहना चाहते हो आप कह सकते हो। आप ये बात समझिए, नरेंद्र मोदी जी ने पेगासस को आपके फोन के अंदर डाला है। सिर्फ मेरे फोन के अंदर नहीं, सिर्फ मेरे फोन के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के हर युवा के फोन के अंदर नरेंद्र मोदी ने पेगासस का आइडिया डाला है। आइडिया क्या है? आइडिया क्या है कि अगर आपने सच्चाई बोली तो नरेंद्र मोदी आपके फोन के अंदर है, पेगासस आपके फोन के अंदर है। और हिंदुस्तान के युवा को समझना होगा कि जैसे आपकी आवाज दबाई जाती है, जैसे किसानों की आवाज दबाई जाती है, जैसे रोजगार के बारे में आपकी आवाज दबाई जाती है, पेगासस आवाज दबाने का तरीका है। और हिंदुस्तान के युवा की आवाज कोई नहीं दबा सकता है। और इस संगठन का काम, यूथ कांग्रेस का काम, हिंदुस्तान के युवा की आवाज को मजबूत करने का है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये काम आप लोग कर रहे हो। यूथ कांग्रेस के दरवाजे खोलो, दीवारें तोड़ो, और जो करोड़ों युवा आज नरेंद्र मोदी से दुखी हैं, पेगासस से दुखी हैं, हम दो हमारी दो सरकार से दुखी हैं, जो रोजगार ढूंढ रहे हैं, जो भविष्य ढूंढ रहे हैं, उनकी आवाज आप तेजी से जोरों से उठाओ। आपको यह भी समझना होगा, आपको यह भी समझना होगा, आज आपको हिंदुस्तान के युवा को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? इसका एक ही कारण है, इसका एक ही कारण है भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान को रोजगार छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले, छोटे दुकानदार, किराना स्टोर, ये लोग दिलवाते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति हिंदुस्तान को रोजगार नहीं दिलवाते हैं। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार असंगठित लोगों को, असंगठित व्यापार को, असंगठित बिजनेसेस को खत्म करती जा रही है। डिमोनेटाइजेशन किया, जीएसटी लाए, क्यों लाए? छोटे दुकानदारों को, स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस को खत्म करने के लिए। इनका जो भी है पैसा, वो हम दो हमारे दो के हवाले करने के लिए। नतीजा, ठहर जाओ यार, नतीजा ये है कि आज ये देश नरेंद्र मोदी के कारण रोजगार पैदा नहीं कर पा रहा है। और भाइयों और बहनों,
याद रखिए, जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, जब तक हम दो हमारी दो की सरकार है, तब तक हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। तो आपको हिंदुस्तान के, भैया डिस्टर्ब मत करो, भैया डिस्टर्ब मत करो, आपको यूथ कांग्रेस को और हिंदुस्तान के युवाओं को यह लड़ाई लड़नी है। ये लड़ाई सिर्फ हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य की लड़ाई है। आज जो लड़के स्कूल्स में हैं, लड़कियां स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज में हैं, आप बात समझो, आपके भविष्य में रोजगार नहीं है। अगर हिंदुस्तान इस रास्ते पे चलता गया, आपको आज नहीं, कल नहीं, अगले 5-10 साल नहीं रोजगार मिलने वाला। आप अपने बच्चों की, अपने माता पिता की मदद नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने एक पार्टनरशिप बनाई है, पार्टनरशिप हिंदुस्तान के युवाओं के साथ नहीं है, पार्टनरशिप हिंदुस्तान के गरीबों के साथ नहीं है, पार्टनरशिप छोटे व्यापारियों के साथ, मिडिल साइज बिजनेस, किसान मजदूर के साथ नहीं है। पार्टनरशिप नरेंद्र मोदी और 2-3 हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों की है, और यह पार्टनरशिप हिंदुस्तान की आत्मा पर, हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य पर आक्रमण कर रही है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी आज रोजगार की बात नहीं कर सकते हैं, और आने वाले कल में भी रोजगार की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टनरशिप किसी और के साथ। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लड़ रहे हो, मैं आपके साथ खड़ा हूं, एक साथ खड़े होके रोजगार की लड़ाई, गरीबी की लड़ाई लड़िए। धन्यवाद। जय हिंद। राहुल गांधी जिंदाबाद।